इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती? ये पॉसिबल है कि जो रेट ऑफ फ्लो है चार्ज का किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, हो सकता है कि वो सेम ना हो, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप ले, ये हो सकता है कि जो रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया में, मैंने ए वन लिया, ए टू लिया, तो अलग कंडक्टर में हो सकता है अलग अलग हो। इसके अलावा जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो। हमने तो डेफिनेशन ली आई की, आई इक्वल टू क्यू बाई टी तब जब होता है जब चार्ज फ्लो करता है और जो जिस एरिया में फ्लो कर रहा है वो इसके परपेंडिकुलर हो, तब हमने कहा आई। हमेशा ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी। तो इसमें जो स्टडी, अगर हमको फ्लो को स्टडी करना है, चार्ज को इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में निकालना है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जे, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल इसी की बात को करंट कह रहे हैं, है ना। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, एरिया कैसे भी हो सकता है। तो अगर हमको डिफाइन करना है करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पी में, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एक एरिया लेते हैं डेल्टा ए इस पी से, और परपेंडिकुलर है जो फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप करंट डेल्टा ही मानिए, डेल्टा ए के थ्रू पास हो रहा है ये पी पॉइंट। अब डेल्टा आई करंट पास हो रहा है डेल्टा ए में, तो हम कहेंगे कि जे जो है वो डेल्टा आई बाय डेल्टा ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अगर हम जानते हैं कि जो डेल्टा ए है जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, तो डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो कहेंगे, डेल्टा ए आई बाय डेल्टा ए हो जाएगा डी आई बाय डी, ये आपका करंट डेंसिटी हुआ जे। तो जो डायरेक्शन है करंट डेंसिटी का वो बिल्कुल सेम, मतलब जे का जो डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर अगर आप कह रहे हैं तो जे का डायरेक्शन वही होगा जो आपके करंट का डायरेक्शन होगा। यदि जो करंट आई है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर एरिया में और परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं जे होगा आई बाय, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो, परपेंडिकुलर हुआ तब की बात कर रहे हैं, जे इक्वल टू आई बाय, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो और ये एरिया दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो, अगर मैं इसको इस तरीके ज्वाइन कर दूं तो ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे, इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन जो परपेंडिकुलर है उस पॉइंट से, यानी कि जितना अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट इस करंट डेंसिटी की है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर करंट के लिए और मीटर स्क्वायर आपका एरिया के लिए। अब थोड़ा दूसरी सिचुएशन में आते हैं। यहां पर अब आप कह रहे हैं कि यहां पर इसको हम परपेंडिकुलर ना करके कुछ ऐसा टिल्ट कर दें। अब इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसका नॉर्मल होगा और यहां होगा, ऐसे करता हूं, ये थीटा एंगल है। अगर ये इस तरीके से होता तब तो हम कहते हैं कि चलिए जे इक्वल टू आई बाय, लेकिन अब ये इसको हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि जो आपका एरिया है, अगर हम छोटा सा एरिया माने डेल्टा ए, तो डेल्टा ए अगर इस डायरेक्शन में है तो डेल्टा ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में होगा, करंट भी इस डायरेक्शन में है आई, तो आई इस डेल्टा ए का हमको कॉस कंपोनेंट लेना होगा, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे या तो करंट को या फिर आपके करंट डेंसिटी को। तो जो एवरेज करंट डेंसिटी इस पॉइंट पी पर बनेगी वो जे बाय डेल्टा आई, और यहां पर डेल्टा ए नहीं होगा, डेल्टा कॉस थीटा होगा, क्योंकि हमको इसके करंट के डायरेक्शन में चाहिए। तो डेल्टा आई जो करंट फ्लो कर रहा है इस छोटे से एरिया में, पॉइंट पी हमने यहां माना, इसकी बारे में बात कर रहे हैं हम। थीटा जो एंगल है वो नॉर्मल बना रही, इस एरिया का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो आपके करंट फ्लो के डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है उसकी बात हो रही है। तो आप जे कहेंगे डेल्टा आई बाय डेल्टा ए कॉस थीटा, अब हम डेल्टा ए को चाहते हैं कम से कम हो, तो लिमिट लगा देंगे डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आई बाय डेल्टा ए कॉस थीटा लिमिट लगाएंगे, तो ये डी आई बाय डी ए हो जाएगा। अब जरा इसको इधर ले जाइए, इसको जरा लेफ्ट हैंड साइड में जे के साथ लगा दीजिए, डी आई इक्वल टू जे डी जे इंटू डी ए कॉस थीटा। तो जे डॉट डी ए क्या होता है, जे डी ए कॉस थीटा, तो इसको हम जे डॉट डी ए लिख सकते हैं। तो जे डॉट डी ए कॉस, ये हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा स्केलर, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जरा इंटीग्रेशन कर दें, क्यों, क्योंकि हमने केवल इस पॉइंट का थोड़ी ना लेना है, हमको तो पूरे एरिया का लेना है जिससे करंट पास हो रहा है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे आई, ये तो करंट आ जाएगा पूरा जो फ्लो कर रहा है उस क्रॉस सेक्शन एरिया में, केवल एक पॉइंट से थोड़ी ना कर रहा है, यहाँ भी जा, यहाँ से भी पास कर रहा है, यहाँ से भी पास कर रहा है, यहाँ से भी पास कर रहा है। तो जे डॉट डी ए, यहाँ पर हम ए पूरे एरिया के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जे डॉट डी ए। अब क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने उसका कॉम्पोनेंट लिया हुआ है, राइट, कॉन्स्टेंट है किसी क्रॉस सेक्शन में। तो जे डॉट डी ए में आप जे तो बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई आएगा, तो ये ए आपका एरिया हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी आप जे इक्वल टू आई बाय ए ले रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का, जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की बात करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
पॉइंट टू डायमीटर है कॉपर वायर का जो कनेक्ट हुआ 5 मिलीमीटर डायमीटर आयरन वायर का। तो ये कॉपर वायर है यहाँ पर, ये छोटा छोटा जो पार्ट है, और जो बड़ा पार्ट है ये आयरन का है। एक 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस कॉपर वायर से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आई सी यू का आई सब सब्सक्रिप्ट लगाया सी यू, ये बता रहे हैं कि करंट बह रहा है यहाँ पर 8 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है क्या, पहले तो करंट जो फ्लो कर रहा है आयरन वायर के थ्रू और करंट डेंसिटी क्या है इसकी, और करंट डेंसिटी आपको बतानी है कॉपर वायर की। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लगाएंगे, इक्वल टाइम में जो क्वांटिटी है चार्ज की एंटर और यहां से एंटर करने में और यहां से लीव करने में सेम समय लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जो करंट यहां जाएगा वही यहां करंट जाएगा, बस इतना समझिए। आई सी यू और आई एफ ई बराबर होंगे 8 एम्पियर, करंट तो बराबर होंगे। अब एरिया आयरन का एफ ई का, इस हम एरिया ए एफ ई मान लेते हैं, और क्योंकि ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है, ये वायर है, तो इसका एक डायमीटर होगा, है ना, एक डायमीटर होगा इसका और एक रेडियस होगा, राइट। तो हम कहते हैं कि चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, डी एफ ई डायमीटर हो गया, आर एफ ई आपका रेडियस हो गया। डी एफ ई इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने डायमीटर दे रखा है, इसलिए हमने डी लिया, वरना हमको रेडियस लेना है, रेडियस से ही मतलब है। तो जे क्या होगा, आई बाय ए, और इसका ये एरिया लें छोटा वाला, है ना, इस ये वाला लें, इसके लिए हमको ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला लेंगे बड़ा वाला। तो अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो हम इस पे आएंगे, यहाँ का एरिया लेंगे, तो आई आपका करंट तो 8 पास कर रहा है, पाई इंटू आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर डी बाई एफ ई कर देंगे, डी बाई टू आर होता है, और यहाँ पर डी एफ ई कितना आया आपका, इसमें देखिए डायमीटर आपका कितना है, ये कुल मिला के, क्योंकि आपको ये 5 मिलीमीटर आपको इसका मिल रहा है, तो 5 इसका डायमीटर है, यहाँ पर दे रखा है, 5/2 करिए और यहाँ पर रख दीजिए, तो तकरीबन ये आपका जे एफ ई इतना आ जाएगा। और अगर जे सी यू निकालना है तो सेम काम करेंगे, पाई इंटू डी बाई टू, यहाँ पर डी बस आपको 0.2 रखना है, सेम चीज़ करेंगे, डी बाई टू डी में डायमीटर में आप 0.2 रखेंगे और इस तरीके से निकालेंगे, आपका 2.5 × 10^8 आ जाएगा। जो करंट डेंसिटी है एक अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस आपका आर दिया हुआ है, तो उस करंट डेंसिटी आपको बता रखी है कि जे इक्वल टू जे नॉट 1 − r² / R² आपको करंट निकालना है अलॉन्ग इस जो लेंथ है उस कंडक्टर के, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय आर। अब इस दूरी पे निकालना है, यानी कि पूरा इस तरीके से है, आपको इस जगह पे निकालना है, इस जगह पे निकालना है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, एक जरा रिंग मान लेते हैं, यानी कि मैं इसको जरा बड़ा करके दिखा रहा हूं, एक रिंग मानेंगे, हम एक रिंग मानते हैं जिसका जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक वो डी आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है स्मॉल आर, ये दे रखी है क्वेश्चन में, तो सेंटर से दूरी इसकी है आर, जो परपेंडिकुलर है आपके एक्सिस के। तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस रिंग के थ्रू वो होगा डी आई इक्वल टू जे डॉट डी, है ना। अब क्योंकि इसका जो नॉर्मल होगा एरिया का और जो करंट का डायरेक्शन है दोनों एक है, तो कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री होगा दोनों के बीच में, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कहने का मतलब डी आई विल बी इक्वल टू जे डॉट डी। अब जे की जगह आप जे इक्वल टू जे नॉट 1 − r² / R² रख दीजिए। ए क्या होगा, देखिए इसका पूरा है 2πr अंदर वाला, है ना, और डी आर इसका इसकी रिंग की थिकनेस हमने मानी है, तो 2πr तो इसका सर्कमफेरेंस हो गया, इंटू डी आर करेंगे तो एरिया आएगा, तो 2πr इंटू डी आर आपका एरिया। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को, और कहां से करेंगे, 0 से लेकर r तक, बाहर तक ले जाना है इसको, ठीक। तो ये यहां से यहां तक हम टोटल निकालना चाहेंगे, तो 0 से लेकर r तक, कैपिटल r तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब जो जो चीजें बाहर आनी है बाहर ले आइए और इसको इंटीग्रेट करिए, और इंटीग्रेट करने के बाद आप इंटीग्रेट, मुझे पूरा यकीन है कि इंटीग्रेट आप इसको समझ जाएंगे और कर भी लेंगे। मैं सीधा लिमिट लगा रहा हूं 0 से r, और आपकी ये वैल्यू आने वाली है, आपको कैसे इंटीग्रेट करना है और लिमिट लगा देना है 0 से लेकर r, तो ये आपका करंट आ जाएगा। इस आपको जो करंट है जो अलॉन्ग द लेंथ इस कंडक्टर के बह रहा है वो आएगा।